दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर आई रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसके बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई बिल्डर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट ओसी जिसे हम बोलते हैं अगर नहीं लेता है तो वो डेफिशेंसी इन सर्विसेज माना जाएगा और जितने भी वहाँ कंज्यूमर हैं फ्लैट बायर्स हैं जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है तो वहाँ पर जो बिल्डर होगा वो काफ़ी जो भी चीज़ें उनका लॉस हुआ है किसी भी तरह का उनके ऊपर कोई भी कॉन्सिक्वेंशल लॉसेज उन्होंने बियर किए हैं जो बिल्डर है वो उसके लिए हर जाना पे करेगा ये जजमेंट है इसके बारे में डिस्कस करते हैं समृद्धि कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस मुंबई महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ये केस का टाइटल है जहां पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड एंड ए एस बोपन्ना ने ये रूलिंग दी दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिल्डर टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द फ्लैट्स टू द एपिलांट समृद्धि कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अलॉन्ग विद द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड अ फेलियर इन डूइंग सो वु एंटाइटलबर्स ऑफ द सोसाइटी जो होम बायर्स है वहां पर उनको कंज्यूमर माना जाएगा टू सी कंपनसेशन फॉर एनी कॉन्सिक्वेंट लाइबिलिटी दे फेस तो किसी भी तरह की अगर कोई लाइबिलिटी वो बाद में फेस करते हैं वो कंज्यूमर तो बिल्डर ही उसको फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फेलियर ऑफ द बिल्डर टू ऑपटेन ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट फॉर फ्लैट इज डेफिशंसी इन सर्विस फॉर विच इट इज लाइबल तो ये साफ तौर पर बोला अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वो नहीं दे रहा है तो वो बिल्डर ही लाइबल होगा उसके लिए द रिस्पोंडेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल टू द फ्लैट्स टू द सोसाइटी तो जो बिल्डर था वो रिस्पॉन्सिबल उसी की जिम्मेवारी है कि वो जो टाइटल है फ्लैट्स का वो वहाँ पर सोसाइटी के नाम वहाँ पर जो भी सोसाइटी के फ्लैट हैं वो वहाँ पर ट्रांसफर करे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले अगर वो फेल हो जाता है टू ऑपटेन द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज अ डेफिशंसी फॉर विच द रिस्पोंडेंट इज लाइबल मेम्बर जो है एप्लांट सोसाइटी के वो अपने राइट्स में हैं क्योंकि वो कंज्यूमर हैं टू प्रे फॉर कंपनसेशन एज अ रिकम्पेंस फॉर द कॉन्सिक्वेंट लाइबिलिटी क्योंकि वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ थी म्यूंसिपालिटी वगैरह उन्होंने जो पानी के चार्जेस थे वाटर चार्जेस या जो भी टैक्सेस वगैरह थे उन्होंने उसके ज्यादा क्लेम किए क्योंकि उन्होंने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लिया ही नहीं था ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया तो उन्होंने टैक्सेस ज़्यादा लेने शुरू कर दिए वाटर चार्जेस ज्यादा लेने शुरू कर दिए अब ये जो नुकसान हुआ उन फ्लैट बायर्स का होम बायर्स का उन्होंने बोला कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है बिल्डर की गलती है बिल्डर को इसका हर देना चाहिए उन्होंने फिर क्या किया अब बैकग्राउंड अगर हम देखें द टॉप कोर्ट वॉज डीलिंग विद द केस वेयर परचेजर हैड बॉड प्रॉपर्टीज बींग डेवलप्ड बाय द रिस्पॉन्डेंट बायर बिल्डर इन्होंने नाइन्टी थ्री में कोई जो भी कंस्ट्रक्शन हुई या जो भी प्रोजेक्ट था वो हुआ पोजेशन वॉज ग्रांटेड इन नाइन्टी एट नाइन्टी एट में पोजेशन दे दिया सिंस देर वॉज नो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेंड बाय द बिल्डर वाटर एंड प्रॉपर्टी टैक्स चार्जेस वर सब्सटेंशली हायर देन द मार्केट रेट वो जो रेट थे एज पर जो भी उनका लॉ होगा उससे काफी ज्यादा थे तो वो जो परेशान थे परचेजर से उन्होंने पहले सबसे पहले गए वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन उन्होंने बोला कि हमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंपनसेशन चाहिए जो अथॉरिटी थी उन्होंने बोला डायरेक्टेड द बिल्डर टू ऑपटेन द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट विद इन थ्री मंथ्स एंड ऑल्सो ऑर्डर टू पे एक्सेस चार्जेस इनकर्ड बाय द रेजिडेंट तो ये तो कंज्यूमर कमीशन ने ऑर्डर कर दिया जब उसका कंप्लायंस नहीं हुआ तो सोसाइटी मेंबर जो थे वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन चले गए सीकिंग नॉट ओनली एनहांस्ड कंपनसेशन फॉर मेंटल एगनी बट आल्सो एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने बोला कि हमारे इतनी मेंटल हरासमेंट भी हो रही है और चार्जेस भी इतने हमने पे किए अब नेशनल कमीशन में आके उन्होंने ये मांगी चीजें एन ने डिसमिस कर दिया उनका केस उन्होंने बोला कि आपका केस तो लिमिटेशन के बाहर आए क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ था वो तब हुआ था जब एप्लांट मेड एफर्ट टू ऑप्टेन इंडिविजुअल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जब आपने अपने अपने वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिए और जब आपको बोला म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी ने कि ज्यादा चार्जेस दो कहते तब आपका कॉज ऑफ एक्शन हुआ था दो साल में कंप्लेंट फाइल कर सकते थे आप तो बहुत लेट हो गए इसलिए उन्होंने नेशनल कमीशन ने उनका केस डिसमिस कर दिया मैटर चला गया अब सुप्रीम कोर्ट में ऑन द मेरिट्स एनसीडी जो थी नेशनल कमीशन उन्होंने बोला रेजिडेंट्स वर नॉट कंज्यूमर्स साथ ही साथ ये भी बोला उनका आ, ये भी बोल दिया कि टाइम बाढ़ है दो साल में आप आए नहीं लेट हो गए साथ ही साथ ये भी बोला कि सिंस द बिल्डर वॉज नॉट लाइबल टू प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बट इट वॉज द म्यूनसिपल अथॉरिटीज विच वर रिस्पांसिबल फॉर द सेम उन्होंने बोल दिया आप तो कंज्यूमर ही नहीं हो उनके क्योंकि कंज्यूमर जो है वो बिल्डर के लिए कंज्यूमर हो आप बट ये तो पानी या बिजली के जो चार्जेस वगैरह लेने देने होते हैं वो तो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के हैं तो वो आप उनके लिए कंज्यूमर नहीं हो तो ये कह के उन्होंने केस डिसमिस कर दिया अब इसकी जजमेंट गई सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये कॉन्टीन्यूस रॉन्ग है अगर वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लेता है बिल्डर तो ये कॉन्टीन्यूअस रॉन्ग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो साल बहुत पुराने चले गए खत्म हो गए नहीं ये कॉन्टीन्यूअस रॉन्ग है ये आज भी है इसका मतलब आपकी लिमिटेशन आज भी बरकरार आ रहा है आप भी आज भी केस फाइल कर सकते हो अ कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग अक्कर वेन अ पार्टी कॉन्टीन्यूअसली ब्रीचिज एंड ऑब्लीगेशन इम्पोज बाय लॉ और एग्रीमेंट इसका मतलब है ्यूस कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग का मतलब है कि रोज हर रोज उसकी लिमिटेशन स्टार्ट हो रही है डेली बेसिस पे आप बोल सकते हो कि मैं अग्रीवड हूं अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वो नहीं ले रहा है ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं म्यूंसिपैलिटी वाले दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस रॉन्ग है उस बिल्डर ने आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया इसका मतलब वो डेली बेसिस पे आपको परेशान कर रहा है और जो भी उसकी ऑब्लीगेशन है आपके प्रति वो वॉयलेट कर रहा है अन द कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग इन द प्रेजेंट केस इज द फेलियर टू ऑप्टेन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगेंस्ट दिस एक्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, द एपिलांट सोसाइटी टेकन अप्रोप्रिएट एक्शन बाय फाइलिंग अ कम्प्लेंट तो कहता है इसके ही एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने कंज्यूमर फोरम में कम्प्लेंट फाइल की एपिलांट ने जो भी एपिलांट इज कर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन अराइजिंग फ्रॉम दैट कम्पलेंट बट वो जो था बिल्डर uh, था वो काम नहीं कर रहा है नॉन कंप्लायंस है तो एक कॉन्टिन्यूइंग रॉन्ग माना जाएगा और इसके लिए आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मैटर जो है दोबारा नेशनल कमीशन को भेज दिया उनको बोला कि आप मेरिट पे डिसाइड करो ना कि उसको ये बोलो कि आपने टाइम लिमिट क्रॉस कर दी ऐसा नहीं तो तीन महीने का आप नेशनल कमीशन को ये टाइम दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में साफ तौर पे बोल दिया कि अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिल्डर ही हर तरह का हर जाना वहाँ पर देगा अगर आप भी इस तरह का कोई मुद्दा फेस कर रहे हैं तो इस जजमेंट की आप हेल्प ले सकते हैं ये मेरी डिटेल्स है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर अगर आपकी क्वेरी है तो आप लिख कर भेज सकते हैं वहाँ पर मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई भेज दूंगा जो भी एप्रोप्रिएट मुझे उसमें ठीक समझ आएगा राइट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट